ये मेरे पास इस तरीके की एक एम्प्टी बॉटल पड़ी हुई थी। ये हैंड वॉश के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से यूज़ करेंगे तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सामने वाला कोई देखता है तो उसको लगता है कि हाँ हम किसी चीज़ का रीयूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक बढ़िया सा लुक देती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने बॉटल को खूब अच्छे से क्लीन कर लिया, इसका रैपर वगैरह जो भी मुझे हटाना था वो मैंने हटा दिया है। तो मैंने इसको पेंट करने के लिए पहले मैंने एक कलर एक कोडिस के ऊपर जैसो का लगा लिया है, और उसके बाद मैंने दो चम्मच वॉल पुट्टी ली है और येलो एंड ग्रीन कलर डाला है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया और मेरे इस तरीके से कलर बन गया। तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से जो कि खराब हो गया था इसको टैप टैप करके इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पूरी बॉटल पर कलर कर लिया है, क्योंकि मुझे बॉटल पर थोड़ा सा टेक्सचर देना था, इस तरीके का एक उभरा हुआ सा टेक्सचर क्रिएट हो वो मुझे करना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर पेंट किया है। अभी जब बहुत अच्छे से सूख गया तो मुझे इसके ऊपर जो भी कोट्स वगैरह लिखना था वो मैंने इसके ऊपर लिखकर इस तरीके से रेडी कर लिया। तो वॉल पुट्टी की वजह से इस पर ये जो टेक्सचर है ये इतना प्यारा आ गया है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अगर मैं सिंपल सा एक कलर करती तो इतना प्यारा एक टेक्सचर नहीं आता। बस उसके बाद मैंने लिखने के बाद थोड़े से इसके ऊपर डॉट्स लगाए हैं वाइट एंड ब्लैक कलर से। इस तरीके से मेरी एक बॉटल बनकर रेडी हो गई। तो हम कबाड़ से भी बहुत अच्छा सा जुगाड़ निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी टाइम को अपने अच्छे काम में इन्वेस्ट करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डॉट्स मैंने ब्लैक कलर से लगाई हैं और कुछ डॉट्स मैंने इस तरीके से बर्ड की हेल्प से इस तरीके से मैंने लगा ली। अगर बर्ड नहीं है तो जो हमारी पेंसिल का पीछे वाला पार्ट होता है उससे भी हम बहुत अच्छा सा इस तरीके से डॉट्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास डॉटिंग टूल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ, तो बस इसी तरीके से मैंने डॉट्स इसके ऊपर लगा लिए, और जब ये अच्छे से सूख गया तो मैंने इसके ऊपर मैंने वार्निश लगा दी, जिसकी वजह से इसके सारे कलर जो हैं वो बढ़िया से सील हो गए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा।